जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड ईएससी सेंटर बेंगलोर। लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं दोस्त, और एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए यहां पे लेके आ चुके हैं। और ईएससी ने कल जो हद पार की, और साथ में एक जो बार बार जो है बदलाव कर रही है, और काफ़ी कैंडिडेट इससे जो है डिमोटिवेट भी हो रहे हैं, और जो है एक समय ऐसा है कि उनका एक टाइम ये करने लग जाता है, यार इग्नोर कीजिए, नहीं जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये आपकी जो भर्ती अग्निवीरों के कारण जो है, भर्ती में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो वही चीज़ें आपको देखने को मिली दोस्त, आपके लगभग कल 15,000 प्लस कैंडिडेट्स ही आपके एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे थे। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल डिस्कस करने वाले हैं दोस्त, लगातार आपकी हेल्प कर रहा हूँ जितना भी मुझे टाइम मिल रहा है, क्योंकि समय की और साथ में जो मेरे यहाँ पे कार्य जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इस कारण से जो है लगातार तो अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट अपडेट आपको कर रहा हूँ जिससे जो है सभी कैंडिडेट्स को बेनिफिट हो, और जो मैंने सिलेबस बताया उससे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को फ़ायदा हुआ। और आज जो आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सेफ स्कोर है और आपकी एग्ज़ाम कट ऑफ है, वो सारी चीज़ें ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं वीडियो में केवल एक बार कह पाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर आप अपने आप ही जो है सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि जो है मैं बार बार ये याद ही नहीं रहता यार कि टॉपिक इतना बड़ा हो जाता है काफ़ी बार जो है डिस्कस करते करते। तो चलो मैं बात करता हूँ एक एक चीज़ों के बारे में। सो गाइज, ये टेलीग्राम चैनल है, और देखो यार कल जो वीडियो डाली थी मैंने एग्ज़ाम रिव्यू की, वो मैंने यहाँ पे डाल दी थी, तो यहाँ से जिन्होंने देख ली थी वो तो देख पाया, और जिन्होंने यहाँ से नहीं देख पाया क्योंकि नोटिफिकेशन यूट्यूब का गया नहीं, मैं भी खुद भी जो यार इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई, कम से कम 16 मिनट दिए और एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और उससे भी एक घंटे आपकी चैटिंग चली, उनसे बातचीत की और उनसे एक एक क्वेश्चंस पूछे, फिर भी नोटिफिकेशन नहीं गया। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्योंकि टेलीग्राम पे तो हर वीडियोस मिल जाती हैं, हर प्रकार की वैकेंसी आपको मिल जाती है, नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, फॉर्म मिल जाते हैं, तो ये इसलिए टेलीग्राम पे आपको सजेस्ट करते हैं बार बार के लिए। और देखो, अगर आप नहीं देख पाए हो तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, तो आप जैसे ही सर्च करते हैं, सर्च करते ही आपको फास्टली सर्च हो जाएगा अगर आपके पास नेट स्लो नहीं है तो। और उसके बाद यहाँ पर आपको ईएससी सेंटर एक आपकी प्लेलिस्ट बनाई गई है हमारी तरफ से, जो कि आपकी ये रही, 40 प्लस वीडियोस आ चुके हैं, लगातार अपडेट्स कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोस्त, जो कि ईएससी सेंटर की, ये देखिए, ये आपका यहाँ पे वीडियो जो है पड़ी हुई हैं, ये भीड़ वाली वीडियो जो है आपकी की, और ये आपका नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितने भी बदलाव किए गए हैं, जो अभी आपके स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग है, सारी अपडेट्स यहाँ पर आपको मैंने दे रखी है। तो देखो, जिनका भी कल एग्ज़ाम हो गया, बहुत सारे कैंडिडेट डिमोटिवेट भी हो रहे थे, डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, आपने जितना भी किया वो अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गलतियां हुई ईएससी के द्वारा, जो ईएससी ने गलती की वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ईएससी बहुत जो है इन चीज़ों को ले रही है। एक देखो आपकी कल जो है क्या हुआ कि जो 5 सितंबर का जिनको मैसेज आ रहा था, उनको अब 7 सितंबर का फिर से बदलाव कर करके आ रहा है, और ये मैसेज जो है व्हाट्सएप पर भर भर के आ रहा है कैंडिडेट्स का कि सर बता दो बता दो। देखो यार, एक्चुअली मैं मैसेज किस किस के सीन करूं, बार बार मैसेज ये कि एक जो है मैसेज आ रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको बता दें, जो भी आपको अपडेट देना है, जो भी एग्ज़ाम रिव्यू शेयर करना है, बार बार मैसेज यही आ रहे हैं, लगातार की मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने रिप्लाई भी कर रखे हैं, एक सेकेंड यहाँ से देखिएगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रखी हैं। तो दोस्त, यहाँ पे मैंने यही चीज़ें आपकी नोट कर ली है, यहाँ पे भी पढ़ लिया है, देखो सर रिप्लाई कर दो, क्या करूँ यार, इतने सारे मैसेज हैं और इतना समय नहीं है, इस कान से रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो थोड़ा सा समझिएगा। तो एक तो ये हुआ है कि जो 5 सितंबर को आपका आ रहा था, पता नहीं फाइनली ईएससी कहाँ पे डिसीजन लेगी, 7 सितंबर का मैसेज आ रहा है, और मेरे भाई जिनको भी एडमिट कार्ड जो भी आ जाए ना वो लेकर चले जाना, और जिनको भी जो एडमिट कार्ड आ गया है ना वो भी लेकर चले जाना,
क्योंकि एससी को दिखा देना कि एक तो एक एसएमएस का ले जाना और एक एडमिट कार्ड ले जाना कि बार बार आप ही बदलाव कर रहे हो यार, इस प्रकार से कैसे चलेगा कि कैंडिडेट डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस डेट को जाना है, कैसे करना है। एक मैसेज जो कि 7 सितंबर का भेज दिया, एक 5 सितंबर का भेज दिया। जो भी एससी फाइनली आपको जो एसएमएस भेज दे वही आप एसएमएस लेकर वहां पे चले जाना। और दोस्त कल जो है आपकी चेकिंग इस प्रकार से हुई ना कि आपका सिर्फ आधार कार्ड देखा, और मतलब इसका मतलब ये है कि आपको एंट्री मिल सकती है। अभी किसी भी कैंडिडेट ने ये पूछ कर नहीं आए यार, मैं तो बहुत बोला था कि आप पूछ कर आइएगा जिनका भी एग्ज़ाम है आप, कि आपको एंट्री मिल जाएगी क्या एसएमएस से। तो वही चीज़ें हैं क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग दोस्त जिस प्रकार से कल चेकिंग हुई उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री मिल जानी चाहिए, बट फिर आप रिस्क भी लेनी चाहिए। तो यार जिनका भी कोई पास के कैंडिडेट्स हैं ग्रुप में, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज को फैलाओ, जिससे जो है होगा भाई अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता कि आपको मैंने मैसेज भी बोल दिए, मैंने यहाँ पर वीडियो तकात भी बोल दिया, सभी को बोल दिया, लेकिन किसी ने को कल पूछा ही नहीं कि एसएमएस चल जाएगा या फिर जो है एडमिट कार्ड होगा तभी चलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में फैलाओ, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप उनको पूछो, उनको बार बार सजेस्ट करो कि यार भाई प्लीज़ ये इतना काम तो कर दीजिए मेरा जो है, और फिर जाओ। तो यही चीज़ें हैं क्योंकि आपको पता है चौकीदार वाले कैंडिडेट्स के साथ ही ऐसा ज़्यादा हुआ है। तो आपके पास समय है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, और मेरे भाई जितने भी जा रहे हो विनती आपसे उनसे पूछ के आओ एक बार कि सर एसएमएस से चल जाएगा क्या काम, हमारे पास एडमिट कार्ड आया ही नहीं है, बार बार एसएमएस बदला जा रहा है। और एडमिट कार्ड जिनके पास भी आ गया है तो वो तो जाइएगा भाई, और थोड़ा सा कोशिश करो भाई, आप ही करो कोशिश कि आप बार बार पूछो कुछ, जिससे भी चीज़ें क्लियर होगी। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट भरो कि यार ऐसे जो है कोई एक दूसरा जो कि पेपर देने जाएगा यार की समस्या एक्चुअली में है, तो कैंडिडेट पूछ कर आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्त आपकी हो रही है, तो वो तो डिस्कस हो गई। अब आपका कल हद क्या हुई कि कुछ कैंडिडेट से ब्लूटूथ पकड़े गए थे, कुछ से जो है फर्जी कैंडिडेट, लगभग 200 के अराउंड कैंडिडेट फर्जी पाए गए थे बता रहे थे, लेकिन उनमें से 15-16 कैंडिडेट्स को ही उन्होंने एग्ज़ाम से बाहर किया था। तो उन कान से कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर कट ऑफ हाई चला जाएगा, कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो इतने कैंडिडेट तो फर्जी नहीं हो सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि 200 कैंडिडेट्स आपके मानने से नहीं हो सकते, और 15-16 उनको निकाल दिए हैं वो भी हो सकता है, बट इतने ज़्यादा नहीं हैं आपके। मैं यही कहूँ कि 15-10 कैंडिडेट ऐसे होते ही हैं हर एग्ज़ाम में जो कि लगते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम ले लो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम ले लो, वैकेंसी के अकॉर्डिंग इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो यही चीज़ें हैं, तो आपको डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ की कल जो बात है, कैंडिडेट्स जो कह रहे थे कि सर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, तो मैंने क्या कहा था, अगर आप 120 प्लस एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। तो मैं ये तो मैंने बताई थी, अब मैं बात करूँगा क्योंकि कल का पेपर के अकॉर्डिंग बात करूँगा। अब देखो यार वीडियो फिर से लंबी चली जाएगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो डिस्कस ही नहीं होगा, कितनी बात करें। तो चलो कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप उस वीडियो से देख लेना जिसे जो है, या फिर मैं एक अलग से वीडियो ले लूँगा जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बता दूँगा कि आपके ये इम्पोर्टेंस जो है टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आए हैं। कल वाली वीडियो से आप थोड़ा सा जो रिव्यू जो था वो इन्हीं के रिगार्डिंग था, लेकिन फिर वही बात है समय निकलता ही जा रहा है। तो देखिए एग्ज़ाम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कल 150 नंबर का पेपर था विद 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो काफ़ी कैंडिडेट जो हैं अगर बात करूं तो भाई 120 प्लस कैंडिडेट्स अटेम्प्ट करके आए थे, लेकिन एक्यूरेसी का उनको पता नहीं है क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन करेगी आपकी क्योंकि कट ऑफ है। और दोस्त अगर आपके नंबर 100 प्लस, देखो ये ड्राइवर वाले कैंडिडेट्स के लिए बोल रहे हैं क्योंकि पेपर भी आसान बताया जा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सेफ स्कोर है आपका 100 से 110, 90 से 100 वाले भी दोस्त यहाँ पे कट ऑफ आपकी रह सकती है, कोई इतना जो है बड़ा नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग के कारण कट ऑफ दब जाती है, कट ऑफ आपकी बहुत कम हो जाती है। तो इसी कारण से दोस्त 90 प्लस तक जो है कैंडिडेट्स, लेकिन 100 प्लस वाले कैंडिडेट्स मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने सही किए हैं तो सेफ स्कोर में हैं आप। और जिस प्रकार से रिव्यू दिया, और एक पोलिंग भी डाल देंगे कल का जो है आपका
और लगातार को जो है कैंडिडेट से भी मैंने बातचीत की, तो यही कह रहे हैं कि पेपर इजी था, मॉडरेट मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ये मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि मैथ में आप कैलकुलेशन वाला जो पार्ट्स है वो उसको मजबूत कीजिएगा, तो वही चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, वही चीज़ें आपकी हो रही हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो भाई डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट चलो मैं एक वीडियो और डाल दूंगा अगर समय रहा तो। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपको अपडेट कर दिया है मैंने जो भी अपडेट करना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।